अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने सम्मान में रखे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ये था सफारी मॉल में हम लेने के लिए गए थे पानी, तो ये वहाँ का क्लिप था। और ये देखें, ये कुछ दिन पहले, रमज़ान से एक दिन पहले मैं गई थी और मैं प्याज, टमाटर, पोटैटोस, ये इस तरह की चीज़ें मैं लुलू से लेके आई थी और बहुत अच्छे प्राइस में मिले थे मुझे। और मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो उसके बाद आज मेरा सामान फिनिश हुआ है, तो आज हम गए मॉल। तो इस मॉल में तो नहीं गए, जो हमारे पास मार्केट है अलमदीना, हम उसमें गए और चीज़ें भी फ्रेश नहीं थी और डबल रेट में थी, बहुत हाई रेट में थी चीज़ें। ये देखें, ये उस दिन मैं सारा सामान लेके आई थी और जो कि मेरा फिनिश हो चुका था। तो खैर, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लिया है, तो कल मैं दूसरे मॉल में जाऊंगी, वहां पे चेक करूंगी और वहां से लेके आऊंगी। वहां से फ्रेश भी मिलता है, इस मार्केट में तो, इस मॉल में तो फ्रेश भी नहीं था आज। तो आप सब बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? हमारा तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। ये थी अलमदीना से वापस आने की वीडियो। हम जाते हुए पैदल गए थे और जब चीज़ें वगैरह ले ली तो फिर भाई हमें पिक करने के लिए गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी, मैंने एक बार सुबह आपको बताया था कि कल आ जाएगी, ना तो हमें कल मिली है गाड़ी और ना ही आज मिली है। और यहाँ पे मैं घर पहुँचाई थी, ये थी सामान जो मैंने लेके आई थी। और ये मैंने चना चाट बनानी थी, तो ये मैंने चने और आलू बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे पहले मैंने लेबन बना ली थी, मैं डेली अब लेबन भी बनाती हूँ, और जमशीरी का पानी भी मैंने बना लिया था, ये भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और इनको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं पुदीना और जो धनिया है वो इसमें कूट के चाट में डाला था और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। और ये मैंने सारा सामान काट के रखा था और मेरी चाट बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल सिंपल वे से बनाई थी। और यहाँ पे मैंने शान का चाट मसाला यूज़ किया था। और ये मैंने साथ में चटनी भी पकौड़ों के लिए, फ्राइज़ और पकौड़ों के लिए चटनी भी बना ली थी। मेरे फ्राइज़ भी बहुत मज़े के हैं, मैं किसी दिन उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये थे फ्राइज़ मेरे और बहुत ही मज़े और यमी थे, बहुत ही यमी बने थे। और यहाँ पे मैं आपको न्यू बात बताती हूँ, ये है रीसा, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये कितना अच्छा होता है। ये अरबियों की डिश है जो वो यहाँ पे बनाते हैं रमज़ान में। बस ये बात अफ्तारी के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद मैंने ये क्लिप लिया था। और यहाँ पे बज रहे थे 10। मेरी आज वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी, जो कि मेरे हस्बैंड ने ठीक कर ली। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।